मंदिर में नृत्य करके तुमने पाप किया है। इसे धक्के मार के निकाल दो। कौन हो तुम? भोले के भक्त है और नाम है भोला। सो वेल फ्रेंड्स, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी कम ही ऐसी फिल्में हैं जो कि देसी डांस पर बनाई जाती है या फिर डांस पर बनाई जाती है और ऑडियंस का दिल जीतती है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी फिल्म रिलीज की गई है जो कि ऑडियंस का दिल भी जीत लेगी और देसी डांस से आपको दीवाना भी बना देगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज रिलीज होने वाली देहाती डिस्को के बारे में, जिसने कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का दिल तो जीत ही लिया है, साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म हिंदुस्तानी कल्चर को भी बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म देहाती डिस्को का और जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी डांस पर बनी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर वन वर्ड में इस फिल्म का रिव्यू किया जाए तो ये फिल्म एक काफी इंप्रेसिव फिल्म है जो कि काफी कम बजट पर बनाई गई है और साथ ही साथ काफी कम संसाधनों के साथ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर आप सभी के लिए उतारा गया है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की, तो दोस्तों ये फिल्म एक वेल प्रमोटेड फिल्म है जिससे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स का सपोर्ट मिल चुका है। अक्षय कुमार, रणवीर कपूर या फिर रणवीर सिंह हर तरह से दोस्तों इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। राजकुमार हिरानी या फिर ओम राउत जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स ने दोस्तों इस फिल्म की तारीफें की है और यही वजह है दोस्तों की डांस पर बनी इस फिल्म के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर बात की जाए इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको लीड करते हुए गणेश आचार्य सर, रवि किशन सर और सक्षम शर्मा नजर आने वाले हैं। सपोर्टिंग स्टार कास्ट के तौर पर दोस्तों इस फिल्म में आपको मनोज जोशी, राजेश शर्मा और साहिल खान नजर आने वाले हैं जिन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की स्टार कास्ट तो बेहतरीन है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गाँव से शुरू होती है जहाँ पर नृत्य को यानी कि डांस को अभिशाप माना जाता है। एक बच्चा जो कि दोस्तों एक मंदिर के सामने नृत्य करता है, उसे अपने घर से निकाल दिया जाता है और दोस्तों वो बड़ा होकर देसी डांस के कल्चर को अपने गाँव में वापस से लाना चाहता है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को नरेशन दिया है अक्षय कुमार ने और उनके नरेशन के साथ साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिल्म में लीडर के तौर पर दोस्तों आपको राजेश शर्मा नजर आने वाले हैं जो कि अपने बेटे यानी कि साहिल खान के लिए इस गांव में एक डांस एकेडमी खोलना चाहता है, लेकिन दोस्तों वहां के पंडित यानी कि मनोज जोशी वहां पर विरोध करते हैं और उसी विरोध के बीच में दोस्तों लोकल लीडर यानी कि राजेश शर्मा पूरे गांव को चैलेंज कर देता है कि उनके लड़के से अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। इसी बीच में दोस्तों यहां पर गणेश आचार्य और सक्षम शर्मा की एंट्री हो जाती है और दोनों दोस्तों इस फिल्म में अपने देसी डांस से सभी को दीवाना बना देते हैं। इस बीच दोस्तों कई सारे उतार चढ़ाव भी इस फिल्म में देखने को मिले हैं जो कि इस फिल्म की कहानी को काफी एक्साइटिंग बना देता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फिल्म में लीड के तौर पर आपको गणेश आचार्य एक्शन के साथ साथ एक्टिंग और डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दोस्तों सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है इस फिल्म के छोटे लीडर यानी कि सक्षम शर्मा ने, वो दोस्तों इस फिल्म में अपने अभिनय से और अपने डांस से सभी को दीवाना बना देंगे और यही वजह है दोस्तों कि फ्यूचर में उनको कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी ऑफर होने वाली है। साहिल खान ने दोस्तों अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। तो वहीं दोस्तों रवि किशन, राजेश शर्मा और मनोज जोशी भी इस फिल्म में अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इस फिल्म की परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में जो डांस हम सभी को देखने को मिला है वो काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। देसी स्टाइल में दोस्तों इस फिल्म का जो डांस है वो आप सभी को थिरकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के मेन टॉपिक की, तो दोस्तों काफी कम बजट पर बनाई गई इस फिल्म को कुरेशी प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है जो कि दोस्तों भारतीय संस्कृति और डांस को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने दोस्तों